हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नई एडवाइजरी के बारे में बात करने वाले हैं, और ये एडवाइजरी है आपको जीएसटी रिटर्न से लेके। ठीक है, तो दोस्तों इस एडवाइजरी को हम पूरा समझेंगे और बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो दोस्तों, ये एडवाइजरी अभी 4 मई 2023 को ये एडवाइजरी आया है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। और इस एडवाइजरी में इन्होंने क्या लिखा है, जो फर्स्ट हेडिंग में उन्होंने डाला है, एडवाइजरी फॉर टाइमली फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। तो आपको इससे पता चल ही गया होगा कि ये जो एडवाइजरी है वो किस पर्पज़ से है। इन्होंने ये बोला है, चार पॉइंट इन्होंने रखा है, और इन्होंने बताया है कि ये चार रीजन की वजह से ये एडवाइजरी आपको जारी कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने बताया है कि फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है कि जो पिछले मंथ का, ठीक है, जो GSTR 3B फाइल की गई थी, वो काफ़ी लोगों ने, मतलब लास्ट डेट जो होता है 20 तारीख उस डेट में काफ़ी लोगों ने GSTR 3B फाइल की थी, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का जो GSTR 3B था वेटिंग क्यू में चला गया था। तो इन्होंने सबसे पहले ये एडवाइजरी में इन्होंने पहला पॉइंट यही रखा है कि आप जो भी GSTR 3B फाइल करें वो टाइमली फाइल करें, 20 तारीख का वेट ना करें, क्योंकि 20 तारीख के डेट में बहुत से लोग फाइल करते हैं, जिसके वजह से जो साइट होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है और हैंग होने लगता है, और लोगों का फाइल नहीं हो पाता है। तो इनका एडवाइजरी जारी करने का मेन रीज़न यही है कि जो भी आप GSTR 3B फाइल कर रहे हैं वो आप टाइमली फाइल करें, यानी 20 तारीख से पहले फाइल करें, जैसे 14-15, क्योंकि 11 तारीख तक आपकी GSTR 1 फाइल हो जाती है। 11 तारीख के बाद 12-13 तारीख तक आपके 2B में डाटा शो होने लगता है, 13 तारीख के बाद सॉरी आपकी 2B में डाटा शो होने लगता है। आप 13 से लेके 14-15-16-17 तक आप मैक्सिमम ले जाके अभी इसको फाइल कर दें, ताकि आपकी जो भी रिटर्न हो अच्छे तरह से फाइल हो जाए, क्योंकि पिछले बार अभी मार्च की जो रिटर्न गई है बहुत से लोगों का वेटिंग क्यू में चला गया है। तो पहला इन्होंने यही बताया, और दूसरा इन्होंने ये भी बोला है कि 45% रिटर्न जो है, जो फाइल की गई है 20 अप, वो आपकी क्या है, नील रेटेड, जो नील रिटर्न्स हैं वो फाइल की गई है। तो उन्होंने इस एडवाइजरी में ये भी कहा है कि जितने भी जो नील रिटर्न वाले टैक्स पेयर हैं, ठीक है, जो नील रिटर्न, वो SMS फाइलिंग ऑप्शन को अडॉप्ट करें, और वो जो SMS फाइलिंग ऑप्शन है उसको यूज करें, और उसके थ्रू अपने नील रिटर्न को फाइल करें। ठीक है, अगर आप मान लीजिए पोर्टल से फाइल कर रहे हैं तो आप 20 तारीख का इंतज़ार ना करें, 20 तारीख का इंतज़ार ना करें, उससे पहले इसको आप फाइल कर दें। ठीक है, नहीं तो अगर किसी तरह का कोई अगर आपकी रिटर्न में दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद ये इन्होंने तीसरा जो ऑप्शन में इन्होंने बताया है, तीसरा जो इन्होंने बोला है कि इट हैज बीन ऑल्सो ऑब्जर्व डेट सम टैक्स पेयर अपलोडिंग लार्ज इनवाइस नंबर ऑफ इनवाइस, ठीक है, ऑफ द पास्ट पीरियड। और अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि जो आपने GSTR 1 फाइल कर रहे हैं वो भी आप टाइमली फाइल करें, अगर खासतौर के जो मंथली आप रिटर्न को फाइल करते हैं तो आप मंथली GSTR 1 भी फाइल करें, ऐसा नहीं कि आप जनवरी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और दिसंबर का, नवंबर का भी रिटर्न जनवरी में फाइल कर रहे हैं, तो इस तरह से ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो इनकी जो साइड है उस पर बटन पड़ती है, और बहुत से लोगों का GST रिटर्न जो है वो सही से फाइल नहीं हो पाती है, इसका इम्पैक्ट जो है इनकी आपकी GST सिस्टम पर पड़ता है। तो इन्होंने ये भी, आपने इस एडवाइजरी में ये भी कर दिया है साफ साफ कि अपने GSTR 1 का मंथली जो फाइल करते हैं वो मंथली फाइल करें, ना कि आप पिछले पास्ट पीरियड का भी आप रिटर्न एक ही पीरियड में सारा फाइल करें, ऐसा ना करें। ठीक है, तो ये सारे चीज़ इस एडवाइजरी में इन्होंने लिखा है कि जितने भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं टाइमली फाइल करें। अगर कुल मिला जुला के इस जो एडवाइजरी है, इस एडवाइजरी की अगर देखा जाए तो इनका कहने का मतलब यही है कि जो GSTR 3B है, GSTR 1 है, वो आपको टाइमली फाइल करना है, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। जैसे GSTR 3B आप फाइल करते हैं तो जो 20 तारीख है आपकी, 20 तारीख है हर मंथ का, वो 20 तारीख से पहले, यानी आप 16-17 तारीख तक फाइल कर दें। नहीं तो अगर मान लीजिए 20 तारीख को अगर फाइल करते हैं, अगर आपकी GSTR 3B टाइमली फाइल, तो ये जिम्मेवारी आपकी होगी। तो कुल मिला जुला कर आपको GSTR 1 टाइमली फाइल करना है, GSTR 3B टाइमली फाइल करना है, और जो नील रेटेड वाले हैं वो उनको इस एडवाइजरी में कहा गया है कि वो SMS ऑप्शन को अडॉप्ट करें। ठीक है, अगर नहीं, अगर मान लीजिए ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं तो वो 20 तारीख से काफ़ी पहले ही अपने GSTR 3B को फाइल कर लें। तो दोस्तों, यही चीज़ था इस एडवाइजरी में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।